प्ले स्टोर को अंदर अगर आपने आईडी बनानी है तो इसलिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपने अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट को ऑन कर लेना या वाईफाई से जो है वो कनेक्ट कर लेना। तो प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पर अपने साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपसे आपके पास पहले से ईमेल है तो यहाँ पर सिंपल आपने अपने ईमेल जो है वो लिख लेना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो यहाँ पर आपने नया अकाउंट बनाना होगा। सिंपल यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट लिखा, आपने क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर माई सेल्फ और फॉर माई चाइल्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे मोबाइल के अंदर ऑप्शन आना है। अगर आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो वो ड्रेक आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपने अपना नाम लिख लेना है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर अपना लिख लेना है। और उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिखे, आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो अपना यूजर नेम बनाना है, यूनिक से यूजर नेम बनाना है, तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे कि अब्दुल बासित और आगे कुछ 1 2 3 लिख लेते हैं 2 4 6 8। अगर ये अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये बोला दिस यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, तो हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपने यूनिक सा यूजर नेम यहाँ पर जो सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पर भी वो आप अच्छा ये वाला अकाउंट जो आप किसी जीमेल वगैरह पर यूज करना चाहिए वहाँ पर भी कर सकते हैं। वहाँ पर ये यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे तो वहाँ पर आप फिर जो वो लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पर आप लॉगिन हो जाते हैं। तो ये जीमेल अपनी याद रखनी है जो यूजर नेम है ये वाला। यहाँ पर मैं कुछ अलग से ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। हमारा वो जो यूजर नेम है वो सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने जो अपना पासवर्ड लिखना होगा, पासवर्ड में आपने जो वो नंबर सिंबल और ABC इनसे मिक्स करके जो है बनाना होगा। मैं अपना पासवर्ड एक यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में आपने दोबारा वही पासवर्ड लिखना है जो ऊपर आपने पासवर्ड लिखा हुआ, तो मैं दोबारा यहाँ पर पासवर्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद सिंपल नीचे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिखे, आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आप देख सकते हैं यस IMIN, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, स्किप पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल ऑन करना है और यहाँ पर I agree लिखा, आपने I agree वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखते हैं हमारी प्ले स्टोर ओपन हो गया और यहाँ पर हमारी अकाउंट जो है वो बन गई। यहाँ पर मैं